और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर और सबसे पहले आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, आरएसएस के कार्यक्रम में प्रणब मुखर्जी पहुंच चुके हैं। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का स्वागत किया गया है। यहाँ पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने पूर्व राष्ट्रपति का स्वागत किया है। हेडगेवर के जन्म स्थान पर पहुंच चुके हैं और नागपुर पहुंच चुके हैं प्रणब मुखर्जी। आरएसएस संस्थापक डॉक्टर हेडगेवर के जन्म स्थल पर पहुंच चुके हैं और प्रणब मुखर्जी ने आरएसएस संस्थापक को नमन किया है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने फूल भी चढ़ाए हैं। प्रणब मुखर्जी का यहां पर स्वागत किया गया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का स्वागत किया है और हेडगेवार के जन्मस्थल पर पहुंच चुके हैं प्रणब मुखर्जी और यहां पर उनको नमन किया है। प्रणब मुखर्जी ने फूल भी चढ़ाए हैं। नागपुर में पहुंच चुके हैं और सबकी नजरें आज इसी वक्त पर टिकी हुई थी कि कब प्रणब मुखर्जी नागपुर पहुंचेंगे और यहां पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने इनका स्वागत किया है। हेडगेवर के जन्म स्थान पर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी पहुंच चुके हैं और देख सकते हैं आप, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से उनका स्वागत किया गया है प्रणब मुखर्जी का। और आरएसएस के संस्थापक के जन्म स्थान पर प्रणब मुखर्जी पहुंच चुके हैं तो फूल चढ़ाकर उनको नमन किया है। डॉक्टर हेडगेवर के जन्म स्थान पर प्रणब मुखर्जी पहुंचे, उनको नमन किया, फूल चढ़ाए और इसके साथ ही आपको बता दें कि उनके जन्म स्थान पर पहुंचने के बाद मोहन भागवत ने उनको फूल देकर उनका स्वागत किया, प्रणब मुखर्जी का स्वागत किया। और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं कि प्रणब मुखर्जी नागपुर पहुंच चुके हैं जहां पर उनका स्वागत किया गया है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी नागपुर पहुंच चुके हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने पूर्व राष्ट्रपति का स्वागत किया। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा के यहां पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और इस घड़ी का सबको काफी समय से इंतजार था। सबकी नजरें टिकी हुई थी और प्रणब मुखर्जी ने आरएसएस संस्थापक को नमन किया फूल चढ़ाकर। तो हेडगेवर के घर पहुंचकर उन्होंने उनको श्रद्धांजलि दी, फूल चढ़ाकर नमन किया और इसके साथ ही तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से प्रणब मुखर्जी का भी स्वागत किया मोहन भागवत ने और साथ ही आप देख सकते हैं सुरक्षा के किस तरह से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। खबर नागपुर से बता रहे हैं आपको जहां पर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का स्वागत किया गया है, पहुंच चुके हैं वो और संघ प्रमुख मोहन भागवत ने पूर्व राष्ट्रपति का स्वागत किया है। तो हेडगेवार के जन्म स्थान पर प्रणब मुखर्जी पहुंच चुके हैं और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आरएसएस संस्थापक ने इनका स्वागत किया है। आरएसएस संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार के जन्म स्थान पर ये पहुंच चुके हैं। प्रणब मुखर्जी ने आरएसएस संस्थापक को नमन किया है और फूल चढ़ाकर इनको नमन किया है। देख सकते हैं आप लाइव तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं सुरक्षा के इंतजाम किस तरह से किए हुए हैं, जगह जगह पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। देख सकते हैं आप तस्वीरें लाइव इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। तो आज नागपुर इस समय पहुंच चुके हैं और देख सकते हैं आप लोगों की भी भीड़ वहां पर इकट्ठा हुई हुई है और जाहिर सी बात है इस घड़ी का सब इंतजार कर रहे थे काफी समय से। आप देख सकते हैं किस तरह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम वहां पर किए गए हैं। देख सकते हैं आप किस तरह से लोगों की भीड़ भी वहां पर इकट्ठा हुई हुई है और लाइव तस्वीरें इस समय नागपुर से हम आपको दिखा रहे हैं। तो प्रणब मुखर्जी नागपुर पहुंचे और यहां पर मोहन भागवत ने उनका स्वागत किया।